Namaste Saraswat Deva Gaur Vani Pracharane Nirvisesa Sunyavadi Paschata Desatarane Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Nama Tapta Kanchan Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hariti Vancha Kalpataru Bhyascha Kripa Sindhu Bhyavacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Tah, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tah Sannivartya Sannivartya Sayahne Sayahne Saharamo Saharamo Janardanah Janardanah Bedum Bedum Viranayan Bedum Bilayana Gostham Agad Gopai Abhishtutah Tah Sannivarta Sayahne Saharamo Janardanah Vedum Viranayan Gostham Vedum Viranayan Gostham Agad Gopai Rabhishtutah Agad Gopai Rabhishtutah Padhi Sabdar ga go me sannivartya lautakar sayane do pahar bit jane ke baad sahara maha balram shahid janardana shri krishna benum apni bansi Biranayan विशेष ढंग से बजाते हुए गोष्ठम ग्वालों के गांव में आगत गए
गोपाई ग्वाल बालों द्वारा अभिष्टुतः प्रशंसित होकर अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा केवल अनुवाद ही इसमें दोनों पढ़ने अच्छा। अब दो पहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौओं को घर की ओर मोड़ा। अपनी बंसी को एक विशिष्ट संघ से बचाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौटे और ग्वाल बाल उनके जस का गान कर रहे थे। 16 नम गोपी नाम परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने क्षणम जुग सतमिव यासा मेन बिना भवत। अनुवाद गोपी गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ क्योंकि उनकी संगति के बिना एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। तात्पर्य ग्वाल बालों को दवाग्नि से बचाने के बाद कृष्ण ने अपने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को बचाया। श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अतीव प्रेम है और उनसे एक क्षण का भी वियोग उनके लिए लाखों वर्ष के तुल्य बन जाता है। गोपियां श्री कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं और श्री कृष्ण के साथ उनकी विशिष्ट लीलाएं अगले अध्यायों में वर्णित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के अंतर्गत दावनल का निगल जाना नामक 19वें अध्याय के श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्रील प्रभुपाद। यह अध्याय 10वें स्कंध में सबसे छोटा अध्याय, केवल 16 श्लोक है और भागवत में ये दूसरा सबसे छोटा अध्याय। यहाँ गोपीनाथ जी की कथा है। भगवान श्री कृष्ण दावानल से गोपों की और गौओं की रक्षा की है और अंत में इस अध्याय के अंत में बताया गया है कि भगवान ने अपने विरह में दग्ध श्री गोपी जनों को सुखी किए, उनका उनकी विरह दवाग्नि खत्म किए। इस अध्याय के पूर्व 18वें अध्याय में प्रलम्बासुर के वध की कथा है। श्री बलराम जी ने प्रलम्बासुर को मारा, उसके बाद गोप लोग बहुत खुश हुए, बहुत आनंद में ये नाचने गाने लगे और बलराम जी की जय जयकार कर रहे थे और पुनः खेलने लगे। इतना बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा असुर मारा गया पर फिर भी वे आनंद में थे क्योंकि उसका मरण हो गया और खेलने लगे कृष्ण के साथ, बलराम जी के साथ। तो खेलते खेलते गौओं का ध्यान नहीं रहा। क्रीड़ा शक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी। क्रीड़ा में आसक्त थे गोपजन तो उनकी गौएं बहुत दूर चली गईं। तद्गावो दूरचारिणी, उनके साथ और भी पशु थे, भैंस बकरी और गौएं। गौएं प्रधान थीं तो ये सब एक वन से दूसरे वन में जाते हुए बहुत दूर चले गए। वन में प्रवेश कर गए तीर्ण लोभ है ना, घास के लोभ से। वो गर्मी का महीना था, जैसे ही समय है यहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन श्रील सुखदेव जी समय के अनुसार किए हैं, ऋतुओं के अनुसार। तो एक ग्रीष्म काल चल रहा है, अब इसमें भगवान गर्मी में क्या क्या लीला की है
इसका वर्णन है 18वें 19वें अध्याय में। तो सब जगह घास सुलभ नहीं रहती है, गर्मी के दिन में वन में प्राय वन सूख जाता है, इसीलिए गौएं बहुत दूर चली गई, दूर वन में, और उनका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि सभी बच्चे और बड़े बड़े गोप भी श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेल में मस्त थे, खेलने में इतना आसक्त हो गए कि गौओं का ध्यान नहीं रहा। क्रीड़ा सकते सुगोपेश, क्रीड़ा में आसक्त गोपों के हो जाने पर गौएं दूर चली गई, चरंत स्वयरम चरंत, वे स्वच्छंद अपनी इच्छा से चल रही थी, घूम रही थी। ये गोचारण प्रारंभ हुआ था गोवर्धन के पास से, और गौएं बहुत दूर चले गए। तो खेल रहे थे बच्चे, खेलते खेलते अकस्मात ध्यान आया कि अरे गौएं नहीं है, वो देखने लगे, खोजने लगे, उसमें बलराम भी थे और श्री कृष्ण भी, ये लोग भी बहुत बेचैन हो गए। ते अपश्यंत पशु, वे देखने लगे गाय बकरी और भैंस, ये सब उस समय इसी काटवी मुंज के वन में प्रवेश कर गए थे, बहुत दूर वो जंगल था और वहाँ चले गए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कृतानुतापा, ये सभी गोपगण अनुताप में पड़ गए, पश्चाताप करने लगे कि हाय हाय हम इतना खेल खेले कि गौओं का ध्यान नहीं रहा, तो बहुत दुखी थे और खोजने लगे गौओं को। पर वे नहीं मिली, दूर चली गई थी, तो एक बात का सहारा लिए, अब कटी हुई घास उनके दांतों से और उनके खुर से, गौओं के पैर को खुर कहते हैं, उनके खुर से कटे हुए घास और दांतों से कटे हुए घास के द्वारा वे खोजने लगे किधर गई हैं। तो गौओं का अनुगमन किए, पीछे पीछे गए, तो पहुंच गए और गौएं दूर वन में जा करके घनघोर मुंजाटवी में फंस गई थी, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वे क्रंदन कर रही थी, जोर से बोल रही थी, रो रही थी। तो गोपों के साथ भगवान भी थे और श्री बलराम जी भी, ये दोनों थे, और ये लोग भी बहुत उदास चेहरा करके खोज रहे थे और बहुत चिंता हो रही थी, घर जाएंगे तो हमारे गार्जियन पीटेंगे कि तुम लोग गौओं को कहाँ छोड़ दिए, क्या किए, तो बहुत चिंता में थे, कह रहे थे गोपों को उधर खोजो इधर खोजो इधर खोजो, लेकिन मिल नहीं रहे थे। अंत में मुंजाटवी में गौओं का पता मिला कि उधर गई हैं, और गौओं को मुंजाटवी में निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए वे रंभा रही थी, रो रही थी। तो वहाँ सब पहुँच गए, कृष्ण बलराम भी साथ में थे, कृष्ण ने आवाज दिया। सुखदेव जी कहते हैं मेघ गंभीर या गिरा, जैसे बादल गरजते हैं
जो बहुत दूर तक सुनाई पड़ता है बिना लाउड स्पीकर के ही, तो भगवान कृष्ण ऐसे बोलते थे, उनकी आवाज मेघ गर्जन के समान थी। वे जब गऊओं का नाम ले ले करके उनको बुलाने लगे तो वे प्रतिध्वनि करने लगे, जवाब देने लगे, वे भी बोल रही थी और कृष्ण नाम रख रख करके बुला रहे थे, भौरी श्यामा कजली इत्यादि। जब भगवान नाम रखते थे गौओं का तो अपना नाम सुन करके वे जोर से प्रति उत्तर देते थे, बोलते थे, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान की आवाज़ वे सब पहचानती थी तो अपना नाम सुन करके उनको बहुत प्रसन्नता होती थी। तो इसके बाद सभी गौओं को इकट्ठा किए सब गोप लोग और बड़ी प्रसन्न थी। इसके बाद गौओं को ले करके वे लौटना चाह रहे थे, तब तक अकस्मात वन में भयंकर आग लगी। जब वो लौटने के लिए तैयार थे और श्री कृष्ण बलराम साथ में है, भयंकर दवाग्नि लगी। ततः समन्ता वन धूम केतु, अग्नि को धूम केतु कहते हैं, धुआं, धुआं ही झंडा है अग्नि का। जहाँ अग्नि होते तो धुआं अपने आप ऊपर जाता है तो उसको धूम केतु कहते हैं। धूम ही जिसका केतु है वो है धूम केतु। ऐसे भयंकर आग लगे, चारों तरफ से आग पकड़ ली। अब कहीं निकलने का रास्ता नहीं था, गोपों को और गौओं को भी फंस गए। तब किसकी शरण लें? किसी भी स्थिति में कृष्ण ही उनके आश्रय थे, इसलिए वो पुकारने लगे, कृष्ण को ही कर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित रामामित विक्रम। कृष्ण कृष्ण ये दो बार बोल रहे हैं, हे कृष्ण तुम महावीर हो। तुमने इसके पहले भी कालिय का दमन किया है और दवाग्नि भी खत्म किए थे। पहले जब काली दह के पास दवाग्नि लगी थी रात के समय, तो उस समय भी कृष्ण ने रक्षा किया था, तो उसी की याद करके कह रहे हैं कि हे कृष्ण तुम महावीर हो। और हे रामामित राम अमित विक्रम, और हे बलराम तुम्हारा पराक्रम असीम है, अमित है, उसको मापा नहीं जा सकता। तो तुम दोनों हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण भी बच्चे हैं 6 बरस के, वे खेल रहे हैं, और श्री बलराम, लेकिन उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं गोप लोग कि तुम हमारी रक्षा करो क्योंकि हम तुम्हारी शरण में हैं। और कृष्ण से स्पेशल कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे जो बंधु हैं, तुम्हारे सखा हैं, इनको न औषिद तुमरहस मरहत, ये इनको दुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात जो तुम्हारे भक्त हैं उनको दुख नहीं होना चाहिए, और हम तुम्हारे बंधु हैं, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक हो, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो।
आग अब लगता था कि अब उनके शरीर को जला ही देगी, बहुत भयावह आग थी। और एक टीकाकार कहते हैं कि वे अर्ध दग्ध हो गए थे, आधे जल गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, जलने की स्थिति में थे। आग बिल्कुल निकट से जल रही थी चारों तरफ। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वैसे रो रहे थे जैसे मृत्यु के भय से भयभीत हो करके कोई व्यक्ति भगवान नारायण की शरण लेता है, चाहता है हम मृत्यु से मुक्त हो जाएं। ऐसे लोग पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण राम। हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे बंधु हैं, हमारा और कोई नहीं है, तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम्हारे शरण में हम हैं। इस तरह वे लोग हाय हाय करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, तुम लोग एक काम करो, अपनी आँखें बंद करो, अपनी आँख बंद करो। तो श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही सभी गोप अपनी आँखें बंद कर ली, और जब ही आँख बंद किए उसी समय श्री कृष्ण उस भयंकर अग्नि को मुख में पी लिए, मुंह खोल करके। और ऐसे उन्होंने हवा के द्वारा अग्नि को अपने अंदर खींच लिया। एक सेकंड में ही सारा काम हो गया। इसके बाद आँख खोल करके वे गोप लोग देखे, देखे तो वहाँ न अग्नि थी, वहाँ न आग था, न कुछ भी, दवानल बिल्कुल समाप्त था। और वे लोग ये समझ गए कि कृष्ण की यह शक्ति है, कृष्ण का प्रभाव है, वे हमारी रक्षा कर लिए। गौवें भी समझ रही थी कि हमको मुक्त किया कृष्ण ने, अग्नि का समन किया। यह अद्भुत काम एक सेकंड में ही हो गया। उधर गोपों का आंख बंद करना था, उधर कृष्ण पी लिया। ये प्रश्न होता है कि सबके सामने क्यों नहीं पिए, तो भगवान ने सोचा कि मेरे कोमल मुख में ये अग्नि समाएगा तो इनको घबराहट होगी, ये जाकर मेरी माता जी से कह देंगे, जसोदा से कह देंगे कि आग पीता है, इसलिए हमको पीटेगी और इन लोगों को घबराहट होगी। अतः आँख बंद करा करके पी लिया। सब लोग आँख बंद करो, आँख बंद करने पर फिर पी लिए तो कोई देखा नहीं, पर ये समझ रहे थे कि कृष्ण का ही प्रभाव है। तो एक बार भगवान दवानल पिए थे सबके सामने, आँख बंद करने के लिए नहीं कहे, और इस बार कह रहे हैं कि आँख बंद करो। तो इसके द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम भक्त की सब हमेशा रक्षा करते हैं, अगर वो सोया रहे तब भी और जगा रहे तब भी, आँख खुली रहे या बंद रहे, सब समय मैं रक्षक हूँ। ये भगवान की कृपा है। आँख बंद करते ही वे आग पी गए, जिस आग के भयंकर लपट में वो जलने वाले थे और आँच का अनुभव कर रहे थे। केवल शरीर में अभी फोड़ा नहीं पड़ा था, जला नहीं था, लेकिन आँच बहुत लग रही थी और आग बढ़ रही थी। ऐसे भयंकर आग को श्री कृष्ण पी गए,
पीता मुखेना, मुख से पी गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हो गया, अब आँख खोलो। जब सबों ने आँख खोल करके देखा तो वहाँ कोई दवाग्नि नहीं, कोई जलन नहीं, बल्कि बहुत कूल, बहुत ठंडा वातावरण था। और सब लोग आँख खोल करके देखे तो पहले जैसे खेलने में भांडीर वट के पास पे लोग खेल रहे थे, तो वहाँ खोल कर देखे कि वही भांडीर वट है। कोई दवानल नहीं, कोई जलन नहीं। अब इसके बाद गोपों ने कहा, सखाओं ने कहा कि अब चलना चाहिए घर, आज बहुत खतरा हुआ। बहुत बड़ा असुर बलराम जी को ले गया था, बलराम को तो भगवान की कृपा से बलराम ने मार दिया उसको। तो वो एक घटना घटी थी, और ये भयंकर आग, बहुत विपत्ति आ रही है, जल्दी गाय को हाँको, चलो ले चलो। तो खेल कूद में और दवाग्नि में फंसे रहने से शाम तो हो ही गई थी, तब ये लोग गाह सन्निवर्त गऊओं को लौटाए। इधर उधर जो थे उन सबको एक जगह किए, और इसके बाद चले अपने बस्ती की ओर, वृंदावन में। उस समय गोवर्धन के पास ही भगवान की स्थिति होती थी, रहते थे। नंद बाबा का गांव उसी के पास था। नंद गांव तो उनका प्रसिद्ध निवास स्थान था, लेकिन वहाँ सब समय नंद बाबा नहीं रहते थे। कृष्ण और बलराम गौएं चराते हुए भिन्न भिन्न जगह रहते थे, इसीलिए नंद बाबा इन दोनों के लिए टेम्प्रोरी गांव बसाए थे सब जगह, जैसे वृंदावन में, महावन में, काम वन में इत्यादि। तो इस समय वे गोवर्धन के पास, राधा कुंड के पास जो बसोती गांव है वहाँ रहते थे। ये लोग गौएं लौटा करके फिर चले अपने गांव की ओर। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गाह सन्निवर्त, गौओं को घेर करके लौटा रहे हैं, बड़ी बड़े सावधान हैं कि अब कोई गाय इधर उधर ना चली जाए, कब आग लग जाएगी कोई ठीक नहीं। तो गौओं को सावधानी से लौटा करके, शाम हो ही चुका था, सायाहने शाम के समय, और श्री बलराम जी के साथ लौटे गांव की। उस समय श्री कृष्ण बांसुरी विशेष रूप से बजा रहे थे, खुशी में सब नाच गा रहे थे। कृष्ण के ग्वाल सखा सभी आनंद में नृत्य कर रहे थे और कृष्ण का जस गा रहे थे, कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। कृष्ण की बहुत सी लीलाएं प्रसिद्ध थी, और उनमें सहज कवित्व शक्ति होती है। कथा गानम, ये जो भी बात बोलते हैं या बात करते हैं तो गीत जैसा। कथा गानम, तो गान करते हुए चल रहे थे, और उनके गान के साथ ही श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपी नाम परमानंद आसित गोविंद दर्शन, श्री गोपियों को कृष्ण का दर्शन करके परम आनंद हुआ।
परमानंद, परमानंद मतलब जिससे बढ़ करके अब कोई आनंद नहीं है, आनंद का एकदम अल्टीमेट सीमा प्राप्त हुआ। वे बहुत दुखी थे कृष्ण के दर्शन के बिना, कृष्ण के वियोग में उनका एक क्षण भी सैकड़ों युग जैसा होता था, एक क्षण भी बिताना बहुत कठिन था। तो उधर दावानल से भगवान ने मुक्त किया गोपों को, गऊओं को, और इधर ब्रज में श्री राधा आदि गोपी भगवान के विरह में दग्ध हो रहे थे। वह दावानल उतना भयानक नहीं था जितना विरह दावानल, विरह की अग्नि से श्री गोपिकाएं झुलस रही थी। लेकिन श्री कृष्ण को जब उन्होंने देखा और सुना उनके बांसुरी को, तो वे परम आनंद में हो गए, उनका दुख मिट गया। श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुन करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ रहे थे। इसके द्वारा उन्होंने यह सूचना दिया कि मैं आ रहा हूँ और सकुशल आ रहा हूँ। प्रतिदिन गोपियों को ये चिंता रहती थी कि प्रियतम वन में जा रहे हैं, कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई असुर मारा जाता था किसी दिन सांप मारा जाता था, कृष्ण सांप के चंगुल में पड़ गए थे एक दिन, बहुत विषैला सांप कालिए, किसी दिन बगुला ग्रस लिया था, किसी दिन सांप निगल लिया था जैसे आघास। वे वन में जाते हैं, वे चाहती नहीं थी कि कृष्ण जाए वन में, क्योंकि नंद बाबा के सैकड़ों सेवक थे तो वो गाय चरा सकते थे, क्या जरूरत है कृष्ण को वन में जाने की, ये केवल जाते हैं हम लोगों को दुख देने के लिए। वे चिंतित रहते थे, वो वन में गए हैं, उनके पैर में पत्थर चुभ रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे, हाय हाय हम दासियां जी करके क्या करेंगे, किस दिन काम आएंगे श्याम सुंदर के, इस तरह चिंता में रहते थे। उनके लिए दिन भर बिताना तो करोड़ों युग के समान हो जाएगा, क्षण क्षण भर भी सैकड़ों युग के समान होता था तो दिन बिताने में कितना दुख होता है। लेकिन इस तरह से परम दुख में पड़ी हुई गोपियों को भगवान के दर्शन करते ही परम आनंद प्राप्त हुआ। एक भक्त ब्रजभाषा के कवि हुए हैं मुसलमान रसखान, उन्होंने एक पद में भगवान के शाम के लौटने की लीला का वर्णन किया। गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, जब भगवान शाम को गाय चरा करके लौट रहे हैं तो उनकी कैसी शोभा है, इस पर रसखान जी कहते हैं कि गायों के खुर से उड़ी हुई धूल उनके केस पर, वस्त्र पर, मुख पर, सब जगह पड़ी हुई है। गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। और बहुत सुंदर फूल की माला है, लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गौएं आगे चल रही हैं और गोपगण पीछे पीछे, गावें मृदुतानरी। और बड़ी ही सुंदर
ध्वनि में वे गीत गा रहे हैं, कृष्ण के बारे में गा रहे हैं। आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुरा मधुरा वैसी बंक चितवनी मृदु मंद मुस्कानेरी। बांसुरी की ध्वनि हो रही है, भगवान बजा रहे हैं। जैसी बांसुरी की ध्वनि सुंदर है, वैसी भगवान श्री कृष्ण की बंक चितवनी कटाक्ष का अर्थ है तिरछे नयन से देखना, और मुख पर मृदु मुस्कान है, बहुत सुंदर हंसी है। कदम बीटप के निकट तट निके आय। अरे सखी, वे आ गए हैं वन से, अब अपने घर में प्रवेश करेंगे, खिड़क में प्रवेश करेंगे। कदम वृक्ष के निकट आ गए हैं, जमुना जी के तट पर आ गए हैं, गौओं को पानी पिला रहे हैं। आटा चढ़ी चाही पीत पट भरानी। जरा देखो देखो, आटा चढ़ी अटारी पर चढ़ करके देखो, अटारी पर चढ़ करके देखो उनका पीताम्बर कितना फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राण नीरी झावे व आवे रस खानीरी। वे आ रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, और देखो उनको देखने से शरीर मन शीतल हो जाता है। रसखानी कृष्ण को कहते हैं, रस के खान, और कवि का नाम भी रसखान है। बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। मैं तो स्वास्थ्य खराब होने से ठीक से नहीं गा रहा हूँ। लेकिन हमको पसंद पड़ता है, भगवान शाम को गौएं लौटा करके जब ब्रज में आते हैं, उस समय गोपियों को जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन वाणी से किया नहीं जा सकता। सवेरे का समय गोपियों के लिए काल जैसा लगता था, जब कृष्ण वन में जाते थे गाय चराने, उस समय को बहुत बुरा समझती थी, और जब लौटते थे ब्रज में तब वे बहुत प्रसन्न होते थे। बांसुरी बजा रहे हैं, इसके द्वारा सूचित हो रहा है कि बड़े खुशी के साथ वन में रहे हैं, कोई दुख नहीं हुआ। तो कुशल कुशल आ गए हैं हमारे प्रियतम वन से, यह देखकर गोपियों को अपार आनंद हो रहा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के और गौओं के दवाग्नि को शांत किए, और श्री गोपीजनों के बिजोग दवाग्नि को समाप्त किए। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। कृष्ण,
हरे कृष्ण किसी को कोई प्रश्न है तो महाराज जी से पूछ सकते हैं महाराज जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ हाँ लेकिन प्रश्न प्रसंग से संबंधित होना चाहिए ठीक है आपने गोपिया का वियोग की चर्चा की यहाँ पे भागवतम में और चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला पे वियोग की भावना प्रकट कर रहे हैं तो और हमारे संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक स्थिति ऐसी भक्त के जीवन में आ जानी चाहिए कि उसके जीवन में कृष्ण के लिए वियोग बढ़ते जाना चाहिए तो कृष्ण के साथ तो वियोग है ही वियोग की अनुभूति अवश्य करनी चाहिए तो मेरा ये प्रश्न है महाराज जी कि ये स्थिति हमारे जीवन में आज के दिन तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कोई वियोग का चिन्ह दिखे तो कभी ये स्थिति कैसी आ सकती है और वो प्राप्त करने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए कृष्ण के साथ वियोग तो है ही वियोग करना नहीं लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे भावना करते थे उसी भावना में रहनी चाहिए हम भी कृष्ण को देखना चाहते हैं कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं लेकिन कृष्ण प्रकट नहीं है तो सभी शास्त्रों में जो विधि बताई गई है वो यही विधि है कि हम कृष्ण का श्री विग्रह रह करके उनकी सेवा करें और सेवा की वासना यही मुख्य है जब कृष्ण सुलभ हैं पास में हैं तो वियोग के भावना की कोई आवश्यकता नहीं श्री विग्रह साक्षात श्री कृष्ण है इसमें संदेह नहीं है तो उसी को संवारना खिलाना पिलाना गीत गाना तिलक करना आभूषण पहनाना इसी में रहना चाहिए अगर वे नहीं रहे श्री विग्रह नहीं है तो फिर रोए माता की तरह रोए कि हमारा बच्चा कहाँ गया गोपियों की तरह वियोग की भावना करना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन वह भी होगा वैसा श्रवण कीर्तन करने से परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को ये बताया है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए सेवा में ही सुख मानना चाहिए चैतन्य महाप्रभु में तो राधा भाव था राधा भाव लेकर के ही अवतरित हुए थे अतः वे वियोग की भावना करके कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए और रात दिन रोते रहते थे वे ऐसे रोते थे जैसे लगता था कि कोई स्त्री रो रही है विलाप करते थे हा प्रियतम हा श्याम सुंदर हे ब्रजनंदन इत्यादि कह करके रोते रहते तो वह सब लीलाएं पढ़ने पर कुछ भावना होती रहती है परंतु उससे बहुत उत्कृष्ट है कृष्ण के सेवा के लिए विकल होना और जैसे कृष्ण के विषय में गीत गाना और कृष्ण का प्रचार करना कृष्ण की पुस्तकें बांटना ये सब सेवा है जैसी समय के अनुसार जो सेवा करनी है वही करना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें गोपियों की नकल नहीं करनी है
कई बार कहा करते थे। यशोदा की तरह हमें कृष्ण की सेवा करनी है। सभी सेवक हैं, राधा रानी भी सेवक हैं, यशोदा भी सेवक हैं, सेवा करते हैं, लेकिन राधा रानी के भाव में और यशोदा मैया के भाव में अंतर है। केवल भाव में अंतर है, बाकी यशोदा माता भी श्री कृष्ण की सेवा में रत रहती हैं, खिलाने के विषय में, उनको अच्छा बनाने के विषय में। उनको ये शंका हो जाती है कि हमारा बच्चा चोर निकल रहा है, तो बांधती हैं रस्सी से, इसको ठीक कर दूंगी, और खाने पीने में इसकी आदत बिगड़ रही है, यह मिट्टी खा लेता है, ठीक नहीं, इसको बुद्धि नहीं है, तो मिट्टी खाने के लिए वो दंड देती है, और चोरी करके माखन खाने से उनको बांधती है। कृष्ण चोरी क्यों किए? ब्रज में माखन चुराना, दूध चुराना, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं एक बार ब्राह्मण बना था, बामन, तो उस समय भीख मांगा एक असुर से, बलि महाराज से, तो मेरी बड़ी तवहीनी हुई, इसीलिए अब इस अवतार में मैं भीख नहीं मांगूंगा। कोई गोपी अगर कहती थी कि लाला तुमको मैं दूंगी माखन, तुम ले लो, चोरी मत करो, तो श्री कृष्ण कहते थे हम तुम्हारा भीख लेंगे, हम भीख खाने वाले हैं, हम भीख नहीं लेंगे। तो बामन भगवान की लीला याद आ जाती थी कि एक बार भीख मांगा, तो आज तक लोग बामन बामन कहते हैं, बावना बावना कहते हैं, कि अब भीख नहीं मांगना है, भले चोरी करूंगा लेकिन कमा करके खाऊंगा, मेहनत करके। तो चोरी करने लगे, प्रायः रोज चोरी करते थे। श्री बलराम जी कभी कभी समझाते थे चोरी करना ठीक नहीं है, तो कृष्ण कह देते थे तुमको चलना है चलो, नहीं तो तुम मत करो चोरी, हम तो बिना चोरी के रहेंगे नहीं, हमको यही लगता है, चोरी का माल हमको अच्छा लगता है। तो श्री कृष्ण चोरी करने लगे, तो यशोदा उनको बांधी थी, वो एक दिन उखल में बांधी थी। कारण यह था कि वे घर में माखन की चोरी किए थे, दही का मटका फोड़ दिए थे। दही का मटका कृष्ण कैसे फोड़े थे इसको बताते हैं गुरुवायुर के नारायण भट्ट तिरी, वो कहते हैं कि भगवान ने मटका फोड़ा था वो मथानी से, पत्थर से नहीं फोड़े थे। सुखदेव जी ने कहा है कि वे पत्थर से फोड़े थे, तो नारायण भट्ट तिरी एक नारायणियम ग्रंथ लिखे हैं, उसमें प्रत्येक अध्याय के पूरा होने पर वे भगवान को सुनाते थे, गुरुवायुर में भगवान को सुनाते थे, तो उसमें जो गलती होती थी भगवान उसका करेक्शन करते थे। गुरुवायुर में जो श्री कृष्ण का विग्रह है
वो भगवान डायरेक्ट बोलते थे कि ये गलती है ये सही है। तो एक दिन जब ये लिखे उखल बंधन लीला और भगवान को सुनाए तो भगवान ने कहा कि ये गलत है, मैं मंथन दंड से फोड़ा था, पत्थर से नहीं। तब कवि ने पूछा, भक्त ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए थे, तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए फोड़ा था मंथन दंड से कि माँ यशोदा देखेगी मटका फूटा हुआ है तो उसको भ्रम होगा कि मुझसे ही लग गया, ठग से कहीं फूट गया। तो फिर भक्त पूछे तो आप भागे क्यों, तो फोड़ा तो मैं ही था इसीलिए डर हो गया कि माता मारेगी इसलिए भाग चला। ये भगवान डायरेक्ट बात किए, गुरुवायुर के भगवान, मैं सौभाग्य से चला गया था वहाँ, सौभाग्य ही मेरा है कि मुझे पैरालिसिस हुआ, मैं भगवान का दर्शन किया। वास्तव में एक कृपा ही है, अगर पैरालिसिस नहीं हुआ होता तो मैं दर्शन नहीं पाया होता गुरुवायुर में। ये सत्य है कि भक्त नारायण भट्टत्रि से श्री भगवान बात करते थे। इस तरह कृष्ण की सेवा की वासना होनी चाहिए, विरह तो है ही और विरह के पद प्रसंग आदि पढ़ने सुनने पर हो जाएगा धीरे धीरे। कृष्ण भावना में सब चीज है। अच्छा, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा अवसर यहाँ पर राधा गोपीनाथ के भक्तों को बारंबार मिले। आपका पधारने का धन्यवाद। तो एक बार फिर से हम महाराज का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। राधा गोविंद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय।